कोरोना संक्रमण में देश और दुनिया लॉकडाउन है। गाजीपुर भी देश के साथ कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे में गाजीपुर का फेमस संबीम स्कूल एक नया इनिशिएटिव लेकर सामने आया है। संबीम स्कूल ने अपने बच्चों को अवेयर बनाने के साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए ऐसा प्रयोग किया है जो कम ही देखने को मिलता है। संबीम स्कूल महाराजगंज ने पिछले दिनों अपने 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए न्यूज़ रिपोर्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया। इसमें स्टूडेंट्स ने कोविड-19 जैसी महामारी को लेकर न्यूज़ रिपोर्टिंग की। आइए आपको दिखाते हैं एंकर बनी एक ऐसी ही स्टूडेंट आस्था का शानदार प्रेजेंटेशन। Now I have one video of BSF Inspector Mr. Anil Kumar Maurya who is telling the experience of lockdown period in Delhi. Can I speak in Hindi? हम पुलिस वाले जब अपनी ड्यूटी पर जाते हैं तो हैंड ग्लव्स, सैनिटाइजर, मास्क लगा कर निकलते हैं। अपने ड्यूटी स्थान पर जाने के लिए प्राइवेट व्हीकल या सरकारी व्हीकल का ही इस्तेमाल करते हैं जो कि प्रतिदिन सैनिटाइज किया जाता है। इसके अलावा जब हम ड्यूटी पर जाते हैं तो अपने कर्मचारी से या अपने साथी से चार्ज लेते हैं, जैसे वॉकी टॉकी, वेपन, तो उसको प्रॉपर हम सैनिटाइज करने के बाद ही इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दें कि आस्था ने इस प्रतियोगिता में पहला स्थान भी हासिल किया है। आस्था 9वीं क्लास की स्टूडेंट है। अब आइए जरा इस प्रतियोगिता में दूसरा स्थान पाने वाली क्लास 10th की स्टूडेंट आकृति मिश्रा को सुनते हैं। The center announced an extension of 2 weeks in nationwide lockdown beyond May 4. Ministry of Home Affairs also issued new guidelines to regulate different activities in this period based on the risk profiling district of the country in the red hotspot areas, green and orange zones. आपने देखा आकृति का कॉन्फिडेंस, इन्होंने तो लॉकडाउन बढ़ाए जाने की खबर ही ब्रेक कर दी। अब आइए संबीम की दूसरी स्टूडेंट रुचि राय को सुनते हैं कि आखिर वो कोरोना पर क्या कह रही हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं रुचि राय न्यूज चैनल संबीम गाजीपुर प्रोग्राम संबीम टॉक से आज विश्व भर में फैले एक विशेष मुद्दे, गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। हालांकि आप इस मुद्दे से बखूबी वाकिफ हैं, ये मुद्दा कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस इस विश्व में पूरे विश्व को अपने मुट्ठी में जकड़े हैं। कोरोना वायरस से बचने के लिए बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं, बहुत सारी सुरक्षाएं हैं, बहुत बचाव है। कोरोना वायरस के लक्षणों से भी भली भांति वाकिफ हैं हम सब, फिर भी हम इस विषय पर चर्चा कर लेते हैं। कोरोना वायरस के लक्षण बाकी बीमारियों जैसे आम हैं, बुखार, सिर दर्द, जुकाम, बदन दर्द आदि। देखिए रुचि कितने सलीके से कोरोना वायरस से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं। संबीम स्कूल की इस प्रतियोगिता में आकृति के साथ 11वीं कॉमर्स की स्टूडेंट स्निग्धा दुबे संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहीं। इसी तरह 11वीं की चिराग तीसरे और 12वीं के असितंग सिंह चौथे स्थान पर रहे। इन छात्रों ने कोरोना से बचाव को लेकर हाल में सेना द्वारा कोरोना वॉरियर्स पर की गई फूलों की वर्षा और सरकार की तैयारियों को भी अपनी रिपोर्टिंग में पिरोया। संबीम स्कूल के चेयरमैन केपी सिंह और डायरेक्टर नवीन सिंह, प्रवीण सिंह भी अपने बच्चों की इस प्रतिभा को देखकर काफी खुश हुए। गाजीपुर की ऐसी ही खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।